सरकार ने 14 नवंबर से धान खरीदने का निर्णय लिया है, तो वहीं धान खरीदी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपना बयान दिया है। उन्होंने धान खरीदी को लेकर कहा कि किसान 1 नवंबर से धान बेचना चाह रहे हैं, रकबा बढ़ा है, लेकिन धान खरीदी की अवधि कम करना यह निर्णय क्यों लिया गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि जब केंद्र ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है तो सरकार को 3,217 रुपए में किसानों का धान खरीदना चाहिए, साथ ही पिछले सरकार की शेष चौथी किस्त दिवाली पर जारी करना चाहिए। कवर्धा लोहारी डीह मामले को लेकर उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को कांग्रेस कवर्धा में बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से ये सरकार जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, लगातार छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को, खनिज संसाधन को बेचने का काम कर रही है चंद उद्योगपतियों के लिए, और जिस तरह से लगातार हसदेव में आदिवासियों की जंगल को, छत्तीसगढ़ की वन संपदा को लगातार काटने जा रही है, इससे वहां के आदिवासी आंदोलित हैं और इस सरकार ने उनसे बात न कर, उनसे चर्चा न कर छत्तीसगढ़ में सौहार्द के माहौल बिगाड़ रही है और निर्दोष आदिवासियों ऊपर लाठी चार्ज कर रही है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई, कई लोगों के सिर फट गए। तो इसको देखते हुए निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर और माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किए हैं और सरकार को जिम्मेदार ठहराए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कवर्धा कि आने वाला 21 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और निश्चित रूप से इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के तमाम नेता और स्वयं मैं भी शामिल रहूंगा।